हेलो दोस्तों, तो आज बनाते हैं आम की लौंजी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसे काफ़ी दिन रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पूड़ी पराठा के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। बनाना आसान है। मैंने इसे कुछ खास मसाले और कुछ अलग तरीके से बनाया है, तो आप मेरी इस वीडियो के साथ दोस्तों जुड़े रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो यानी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम कच्चा आम लिया हुआ है और इन्हें हम धुल लेंगे। तो ये आम इसमें गुठली नहीं है, अभी कच्चा है, तो इसकी जो मीठी लौंजी है बहुत ही बढ़िया बनेगी दोस्तों। तो आप मेरे इस तरीके से ज़रूर बनाइए। इन्हें सबसे पहले धुल लेंगे और उसके बाद इसका जो छिलका है वो हम निकाल लेते हैं। तो लौंजी कच्चे आम की कई तरीके से दोस्तों बनाई जाती है, आप मेरे इस तरीके से एक बार बना के देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी ये कच्चे आम की लौंजी की रेसिपी दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने कच्चे आम लिए हैं 600 ग्राम, आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं। ये मैंने खट्टे वाले लिए हैं, आप खट्टे और मीठे दोनों मिक्स करके इस लौंजी को बना सकते हैं। तो ये देखिए, सभी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, यानी छील के और कट कर लिया है, लंबे टुकड़ों में मैंने कट किया है। अब एक कढ़ाई रख देंगे और उसमें एक बड़ी चम्मच इसमें घी डाल देते हैं, क्योंकि मैं इसे लौंजी बना रही हूँ तो घी का यूज़ करेंगे, इससे टेस्ट बढ़िया आएगा। अब इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच सौंफ, एक छोटी चम्मच राई, आप पीली राई भी इसमें डाल सकते हैं। मेथी दाना थोड़ा सा लेंगे, यानी मैंने ये छोटी चम्मच ली है मेथी दाना, साथ ही साथ कलौंजी, तो ये भी मैंने छोटी ही चम्मच ली है। आप इन मसालों को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करें। तो बस इन चीज़ों को हम हल्का सा चटकने देंगे कि दोस्तों हमें इन्हें जलाना नहीं है, इनका फ्लेवर है जो लौंजी में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये देखिए, कुछ ये मसाले हैं हल्की सी खुशबू देने लगे हैं और बस अब ये कच्चे आम डाल देते हैं। इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, यानी मसालों के साथ थोड़ी सी भून लेंगे। तो दोस्तों आप इसे अलग अलग तरीके से आपने बनाई होगी, मेरे इस तरीके से एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये देखिए, मैंने इसे थोड़ी देर इस तरह से मसालों के साथ, यानी जो खड़े मसाले डाले थे ना, साबुत मसाले, उनके साथ मैंने इसे भून लिया है। 2 गिलास अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो आप इसमें 2 गिलास ही पानी डालें, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत है, क्योंकि गुड़ डालेंगे। और अब इसमें हम हाफ हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ ही चम्मच इसमें मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो जैसा भी आप पसंद करें मिर्च को, आप उस हिसाब से ऐड करें। आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च यानी कुटी हुई मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बस इसे हम थोड़ी देर पकने देते हैं और हल्की सॉफ्ट हो जाएंगी, उसके बाद अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। तो ये देखिए, जो आमी है हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम 300 ग्राम ये गुड़ डाल देते हैं। गुड़ को मैंने टुकड़ों में इस तरह से फोड़ लिया था उसके बाद, क्योंकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, और बस इसे इस तरह से मिक्स कर देते हैं। तो गुड़ की जगह पर आप चीनी भी डाल सकते हैं दोस्तों, या फिर आप इसे मिश्री भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं लौंजी में 600 ग्राम आमी में 300 ग्राम में ये गुड़ डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आम थोड़े से कभी खट्टे कभी कम खट्टे होते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से, यानी अपने टेस्ट से इसमें मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसे मिक्स कर दिया है, अब इसे हम पकने देते हैं। तो इसे धीरे धीरे पकने देंगे और ये गाढ़ी हो जाएगी दोस्तों। तो उसके बाद अब इसे हम कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो 2 मिनट मैंने पहले पका लिया, उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये बनके तैयार हुई है। तो अभी भी ये काफ़ी पतली है, अभी मुझे इसे और भी गाढ़ा करना है यानी पकाना है। तो अभी हम डाल देंगे इसमें काला नमक, एक छोटी चम्मच काला नमक डाल रही हूँ, साथ ही साथ डाल देती हूँ एक छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर दोस्तों, और ये धनिया पाउडर। तो सौंठ का पाउडर इसमें बहुत ही बढ़िया थोड़ा सा तीखापन लाता है दोस्तों। तो ये लौंजी है ना, बहुत ही बढ़िया बनेगी, आप मेरे इस तरीके से एक बार बना के देखिए। तो बस काला नमक और ये सारी चीज़ें जो डाल दी हैं मैंने, इससे टेस्ट है ना बहुत ही गजब का आएगा। और इसे हम मिक्स कर देते हैं और थोड़ी देर अभी और पकाएंगे, क्योंकि अभी ये मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है, और वैसे तो ये ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा गाढ़ा और करना है, 1 से 2 मिनट अभी और पकाऊंगी। तो बस उसके बाद ये हमारी जो खट्टी मीठी और मज़ेदार सी लौंजी बनके तैयार है। तो ये देखिए, इसे निकाल लेते हैं। तो
तो अभी ये ठंडी हो चुकी है दोस्तों, तो आप इसे पूरी या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही बढ़िया लगती है। काफ़ी दिन इसे रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी दोस्तों, और बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो देखने में ही आपको लग रही होगी बहुत ही चटपटी सी और मज़ेदार। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए, नमकीन परौठा या पूड़ी के साथ में ये इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो आप उसके साथ इसे एंजॉय कीजिए दोस्तों, आप चावल के साथ इसे खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो आपको ये लौंजी की खट्टी मीठी सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही आम की कई सारी रेसिपी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हैं दोस्तों, कच्चे आम के मुरब्बे अचार, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, आपको बेहद पसंद आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपने मेरा चैनल यानी दुर्गा द लाइफ को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, वो भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर से मिलूँगी ऐसी ही मज़ेदार चटपटी सी और फटाफट बनने वाली रेसिपी के साथ। थैंक यू।